आता मी बोलाना चह ऑनरेबल किशोर धारिया जी कोंडर प्रेसिडेंट ऑफ हिरवल प्रतिष्ठान अ बिग्राउंड हेम एवरी वन नमस्कार महाराष्ट्र सी एस आर समिट के आयोजक आदरणीय रुसेन कुमार जी आणि आत्ता उपस्थित नाही आहेत पण फ्युएल म्हणून ज्यांची संस्था पुण्यामध्ये आहे आणि फ्युएल संस्थेतून ज्यांनी खऱ्या अर्थानं स्किल डेव्हलपमेंटची आता युनिव्हर्सिटी सुरू केले ते आमचे मित्र केतन देशपांडेजी के आपलं खरोखर मनापासून अभिनंदन करतो खरं तर ह्या कार्यक्रमात मी बोलण्यासारखं आता काय राहिलेलंच नाही आहे देखो एक बात सच है की जब आपका न्योता मिला की सी एस आर एक समिट तुम्ही तो मनमे बहुत इस प्रकार के विचार आहे कि एक्चुअली सी है क्या भाई मैं एक एन के तौर पर यहाँ पे खड़ा हूं तो सी है क्या होता है क्या भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है जिन्होंने पूरे विश्व को गुरु जैसी हरेक नई नई समस्याओं का सुझाव दिया हुआ है और सीएसआर एक ऐसा मैंडेटरी कंपल्शन कंपनीज के ऊपर किया गया है उसमें भारतवर्ष ये पहला वर्ष देश है जिसने मैंडेटरी करके सी एस आर सुरू किया आहे कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके पास अच्छी कमाई हो ज्यांच्याजवळ चांगला नफा आहे त्या कंपन्याने दोन टक्के सी एस आर द्यावा आनंद वाटतो वाट। आज संपूर्ण भारतामध्ये प्रिसाइजली सतरा हजार सहा कंपन्या रजिस्टर्ड आहेत साधारण चोवीस हजार आठशे करोड रुपये स्पेंड होत आहेत माझ्या महाराष्ट्रामध्ये चार हजार पाचशे कंपन्या आहेत साधारण चौतीसशे चोवीस करोड रुपये इथे येत आहेत स्पेंड झालेत मागच्या वीस एकवीसच्या जे शासनच मी माझं सांगत नाही जे शासनाची वेबसाईट आहे त्याच्यावरनं सांगतो आणि मग हे होत असताना माझी एक एन जी ओ आहे पद्मविभूषण मोहन दारियाजींनी सुरू केलेली वनराई असेल आत्ताच ज्याचा चव्हाणसाहेबांनी उल्लेख केला त्या राजेंद्र सिंगजींची आमची जलशक्ती अभियान असेल ज्या माध्यमातून आज चव्हाण साहेबांनी त्यांचं सा मन व्यक्त केलं की खरोखरच सी एस आर मिळवायचं असेल तर एन जी ओजनं काय केलं पाहिजे भाऊंनी त्याचा उल्लेख केला मैं आपको इसके लिए एक निवेदन करूंगा की महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो मुंबई पुणा से आ रहा हं तो रायगड मुंबई चार करोड से ज्यादा है पुना तीन सो पच्चीस ज्यादा है मेरा रायगढ़ एक, एक करोड़ रुपये से ज़्यादा है जहाँ पर सी एस स्पेंड होता है लेकिन कई ऐसे ज़िले हैं छत्तीस जिलों में से कि जहाँ पे दो करोड़ में से भी कम या कहीं कहीं तो लाखों रुपए में ही सी एस आर आता है तो मेरे ख्याल से एक बड़ी गैप है जिसकी जिम्मेदारी केतन जी की और आपके ऊपर है और हमारे सबसे आज के अतिथि प्रवीण डरेकर जी है जिनका इसमें अनुभव है और दिलचस्पी है देखो आज के ज़माने में राजकारण अलग चल रहा है राज्यकर्ताओं की सी एस आर और एन जी ओज के तरफ देखने का नज़रिया क्या है मैं आज बोल नहीं पाऊँगा लेकिन एक बात नक्की बोलता हूँ कि हमारे ये मित्र ऐसे हैं जिनके मन में पानी बसा हुआ है जिनके मन में एन जी ओज़ को उभरती देने के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास है जिनके मन में कंपनीज़ के ऊपर बर्डन नहीं है लेकिन कंपनीज के आने वाला सी अच्छे एनजीओ तक पहुँचाने के लिए कुछ करने की उम्मीद रखने के लिए आज के कार्यक्रम में आप वो उपस्थित हुए हैं आज अपने को ऐसा करना चाहिए कि महाराष्ट्र की जितने भी जिले हैं, वहां पे जाके जो एन जी ओज है उनके लिए एक प्रशिक्षण रखना बहुत मुनासिब है बहुत कि कई एन जी ओज जिते है महाराष्ट्र वेगवेगढ़ जिले है तिथले ना महती नहीं हो ठराविक कई एन जी ओज आता एक सीएसआर ने एक अजब फाउंडे एक फॉर्मूला दिया है कि कंपनीज जो पैसा कमा रही थी वो एनजीओ हो गई है और जो एनजीओ जो एनजीओ का काम कर रही है तो वो कॉरपोरेट हो गई है अगर आपकी एनजीओ कॉरपोरेट नहीं हो तो सीएसआर मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी में पहुंचने के लिए आपको एनजीओ को कॉरपोरेट बनना पड़ेगा वा, 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 वा। और वो कॉरपोरेट कैसे बने हमारी एनजीओ हम बसे हैं भाई महाड में रायगड में हम बसे बुलढाणा में जैसे अभि चव्हाण बात की वो बसे वहाँ पे चालीसगाव वो एन जी को कॉर्पोरेट बनाने की जिम्मेदारी चव्हाण साहेब आपल्या सगळ्यांची आहे जोपर्यंत आपण काम करताय म्हणजे मला तर वाटतं की आपण एक चालतं बोलतं विद्यापीठ आहात गरज काय आम्हाला कोणाच्या समोर जाऊन काय फॉर्म्युला मागायची की एन जी ओ म्हणून माझी जर एन जी ओ आहे आम्ही कसं काम करायचं अरे आमच्या उज्ज्वल कुमार चव्हाणांचा फॉर्म्युला आहे तुझे गावत काम कराए ना हा फॉर्म्युला है हा फॉर्म्यूला काम कर तुझे गाँव काम हुई काम करता ना पैसा शिव हो दो चीजें है पैसा भगवान नहीं है और बोलते कि भगवान से कम भी नहीं है और समाज सेवा करने के लिए भी पैसा लगता है आज आदरणीय मोहनधरिया जी रहने दो आदरणीय राजेंद्र सिंह जी रहने जो जल पुरुष मैं देख रहा हूँ काम करने की उम्मीद होने के बावजूद सिर्फ लोग अच्छे होने से नहीं चलेगा अच्छे लोगों को अच्छा पुरस्कार करने के लिए उनको अनुदान देने वाली कंपनियों की जरूरत है और वो कंपनियां मेरे ख्याल से ऐसे समिट में निर्माण होगी जो भी कंपनी आज आई है मैं सबको बधाई देता हूं कि आप आज आए हैं देखो अभी क्या है कि कंपनियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई मैंडेटरी है आप समिट रखे क्या जरूरत है उनके पास उनके खुद के अभी ट्रस्ट शुरू हो गए हैं कंपनियों के ही एनजी बन गए हैं जो कंपनियों के लिए ही काम करते हैं तो बाकी के एन के लिए आने की ज़रूरत क्या है लेकिन नहीं सब लोग ऐसे नहीं हैं कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जुड़ना चाह रहे हैं मैं तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ और एक ही कहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में कुछ बदलाव लाना है मैं पानी में काम करता हूँ और मुझे आज आनंद होता है कि चौहान साहब भी पानी में काम कर रहे हैं आज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें आप सी का सी एस आर का डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक चिंता हो रही है कि तो भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका कि डर ऑडिटिंग है लेकिन आज हाँ मेरे को अच्छी तरीके से फख्र हो रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी सोशल ऑडिटिंग सी एस आर का भी शुरू किया है पीएस जो है वन करोड़ uh, से ज्यादा प्रोजेक्ट वालों तो को शुरू हुआ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उनको पहले वो मैंडेटरी करेंगे ऑडिट का और बाद में मेरे ख्याल से प्राइवेट को हो सकती है मेरे ख्याल से ऑडिट वगैरह ये तो मैंडेटरी चीज़ें है लेकिन हम जो काम करते हैं एन के साथ जो आपका काम हो रहा है उसका कहीं ना कहीं तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि ये प्रेजेंटेशन के लिए आप थोड़ा सा पूरा कर ले। आपके माध्यम से हमारे एन को छोटे छोटे एन को पता चले कि भाई काम कैसे चल रहा है कहाँ पे चल रहा है कंपनी में महाड़ में और वो एन वो सी खर्चा कर रही है किधर दूसरे जगह पे महाड़ के हमारी नदियों का प्रदूषण हो रहा है वही कंपनियां वहाँ पे खर्चा नहीं करके खर्चा कर रही है किधर दूसरे जगह पे दूसरे जगह कारण के लिए जैसे चौहान साहब ने बताया तो कहीं ना कहीं इसका एक कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए ऑडिटिंग होनी चाहिए आज अच्छा है कि भाई आ, सेबी ने भी अभी एक नया रूल्स निकाला है उनका भी अभी एनवायरमेंट और आ, सोशल ऑडिटिंग के लिए जो भी है उसके लिए एक ई का भी शुरू हो रहा है ई एस जी की वजह से भी पता चलेगा देखो कंपनीज़ को भी अभी इसके बाद अगर कंपनीज की जो प्रोफाइल है वो अच्छी करनी है तो सिर्फ आपका प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा आपके सी एस आर से कितना अच्छा काम हुआ है वो देखिल उतना ही मायने रखेगा आपका प्रॉफिट भले करोड़ों में हो और आपके सी एस आर का जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं हो तो वो कंपनी के आने वाले समय में अच्छे तरीके से शेयर के तरफ देखने में कंपनी के तरफ देखने के जरिया नहीं रहेगा अगर कंपनी इसको इंटरनेशनली नेशनली खड़ा करना है अपने बलबूते पर दिखाना है कि हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है सिर्फ हम हर एक आदमी क्या कोशिश करता है एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ बेस्ट और हमारा तो मिशन नेक्स्ट जनरेशन है जो आपको नहीं मिला हमें नहीं मिला जो हम करना चाहते वो नहीं कर पाए वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन करे इसके लिए सी एस आर के माध्यम से जो काम होंगे वो काम करने के लिए एक प्रशिक्षण और उसके साथ जो कंपनीज है जिस जिस इलाके की कंपनी है उनके लिए एक आदर्शवत छोटी छोटी संस्थाओं का प्रेजेंटेशन रखना ये मैं मेरे ख्याल से आज के, आज के आपके जो सूचना पत्र मिलेगा आपको मैंने पूछा था कि एक सजेशन आपका आज के समिट का सजेशन होगा उसके लिए आप करे ऐसा मैं आपको विनंती करता हूँ मेरे मित्र संजय गांधी यहाँ पे है जिन्होंने कोकण के पर्यटन के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है ऐसे संजय यादवराव जी यहाँ पे है मेरे आदेश गुप्ता जी है इन सबको अगर आप देखेंगे तो काम करने का जरिया हर एक का होता है लेकिन उनके लिए आपके जैसा ये गाइडेंस देने वाला प्लेटफॉर्म मिलेगा तो सही तरीके से एन को उसका फायदा होगा और आपका जो टैगलाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शाश्वतता किस में है जब तक मन में आनंद नहीं आएगा देने वालों के मन में आनंद नहीं आएगा लेने वाले के मन में आनंद काम किया हुआ नहीं रहेगा तब तक, तक शाश्वतता नहीं हो सकती है क्योंकि पूरे विश्व में जग में आपको कभी भी आपके मन के समाधान और आनंद का कोई परिमाण है वो आपके आपके खुद में रहता है भले आपको दो परसेंट सी करो या आप जब भी अच्छे काम के लिए अपने खर्चे में सी के बिना कंपनी व्यक्ती भी खर्चा करती है किया हुआ काम जो दान देते हो दान देने वाला भी अच्छे पत्र में पात्र में दान जाता है तो ही वह सद्पात्र और सद्मान रहता है सद्दान देताय ही कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हा चव्हाणसाहेब मनापासून आनंद वाटला जे भाऊनी सांगितले की आम्हाला काय झालं की पॉलिटिकल आणि शासकीय कामात काम करणाऱ्या व्यक्ती म्हटल्या की मनात अशी भीती येते आणि त्यात तर तुम्ही तर ईडीमधनं आला आहे म्हणजे अजून बी येते की सी एस आर कंपन्या आणि एन जी ओज आणि ईडीचे ऑफिसर समोर बसलेत क्या वाहते पण एक ऑफिसर महाराष्ट्राला दिशा देण्याचं काम एक राजकीय व्यक्तिमत्व हो, जे महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी बँक ज्याला आपण कोऑपरेटिव्ह बँकेचं नेतृत्व करतो अशी व्यक्तिमत्व हो, मुंबईतल्या चाळीस हजारपेक्षा जास्त संस्थांचं ज्यांच्याकडे स्वतः अध्यक्षपद आहे जिथे काही करू शकतात असे प्रवीण दरेकरजी मोरेसाहेब आहेत प्रवीण आपण आहात आपण सारेच आहात आज सकाळपासून ज्यांची ज्यांशी इथे वक्तव्य झाले असतील ज्यांनी ज्यांनी परिसंवादात भाग घेतला असेल नक्कीच आम्ही ते मिस केलं आहे आपल्या नंतरच्या ह्या व्हिडिओमध्ये नक्की बघू सगळ्यांना पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो धन्यवाद